राजस्थान अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में, हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध करते हुए 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने बताया कि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। भाजपा सरकार की ओर से किसान अन्नदाता के खिलाफ पुलिस, आर्मी और CRPF के जवान लगा है। इन्हीं के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर शुभकरण चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों से जमीन छीनकर खनन करना चाहती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुट तहसील में वनखंडदाता और केला मेला स्वर्ण अयस्क खनने की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ सुहागपुरा ब्लॉक की पाडवा पंचायत में आदिवासियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन देते हुए जल्द ही राज्य सहित पूरे देश में आंदोलन की चेतावनी दी। जो हमने ज्ञापन दिया है वो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जो स्ट्राइक चल रही है, उसके समर्थन में हमने दिया है। पूरे भील प्रदेश टेरिटरी एरिया में सभी जिला मुख्यालयों पे और तहसील मुख्यालयों पे ज्ञापन दिया गया है। जो आज देश का अन्नदाता है, जो सुबह शाम हमको रोटी देता है, उसके खिलाफ जो ये सरकार का जो तानाशाही रवैया है, ये रवैया सरकार बदल दे और ये किसानों के साथ में जो गलत हो रहा है, किसानों की जो मांगे है वो मांगे जल्द से जल्द पूरी करे, नहीं तो पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जाएगा। उसके समर्थन में हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के मार्फत से राष्ट्रपति महोदय को। तो जितना जल्दी हो सके सरकार अपना किसानों के प्रति जो रवैया है वो परिवर्तन कर दे। और ये जो भाजपा की सरकार है, पिछले 10 सालों से देश के, चाहे वो किसान हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे OBC हो, दलित हो, SC हो, आदिवासी हो, इनके साथ में जो अन्याय कर रही है, इस अन्याय के लिए हम आने वाले वक्त में इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं।